भारत हमेशा से अपनी महान सभ्यताओं और ऐतिहासिक कहानियों के लिए जाना जाता रहा है। हम भारतवासी आज भी अपनी महान सभ्यता और अपनी परंपराओं को कहानियों के रूप में सजो के रखते हैं और ये ही कहानियाँ हमें आज अपने पूर्वजों से जोड़कर रखती हैं। कहानियाँ भी अनेक तरह की होती हैं। कुछ कहानियाँ काल्पनिक होती हैं, तो कुछ हमारे इतिहास से जुड़ी हुई होती हैं और कुछ तो इतनी पुरानी होती हैं कि जिनका अस्तित्व भी ढूंढने से नहीं मिलता। पर कुछ ऐसी भी महान कहानियां हैं जो कि हजारों लाखों सालों से हमें हमारे पूर्वजों द्वारा सुनाई गई हैं और जिनका अस्तित्व आज भी हमें देखने को मिल जाता है। इन्हीं कई सारी पौराणिक कहानियों में सबसे शीर्ष पर आती है कहानी उस ऐतिहासिक समुद्र मंथन की, जो कि देवताओं और असुरों के बीच में हुआ था। पर इस कहानी के घटने का कारण क्या था, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी और क्या आज के समय में भी इस कहानी से जुड़े तथ्य हमें मिल सकते हैं, तो आइए इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पे और हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया। आज से लगभग कई हजार साल पहले देवराज इंद्र, जो कि स्वर्ग के राजा थे, कुछ समय से उन्हें अपनी शक्तियों पे कुछ ज्यादा ही गुरूर और अहंकार होने लगा था, जिसके कारण वे खुद को ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली समझने लगे थे। एक बार की बात है, जब भ्रमण करते वक्त देवराज इंद्र की मुलाकात ऋषि दुर्वासा से हुई। ऋषि दुर्वासा एक महान योगी के साथ साथ एक महान गुरु भी थे, पर उनका क्रोध अत्यंत ही तेज और यह बात पूरे जगत में सबको पता थी कि अगर ऋषि दुर्वासा ने क्रोध में आकर किसी को भी श्राप दे दिया तो उस श्राप को ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी नहीं हटा पाए। उसी दिन ऋषि दुर्वासा को धरती लोक पर एक फूलों की माला मिली थी और वो उस माला को लेकर गुजर ही रहे थे कि उनकी मुलाकात इंद्र से हुई। देवराज इंद्र ने अहंकार में आते हुए ऋषि दुर्वासा को ना ही प्रणाम किया और ना ही वे उनसे इज्जत से पेश आ रहे थे। ऋषि दुर्वासा ने इंद्र के अहंकार को उस समय तो अनदेखा किया और फिर वही फूलों की माला देवराज इंद्र को उपहार के रूप में भेंट दी, पर इंद्र ने वह फूलों की माला को अपनाने से मना कर दिया और अहंकार से हंसने लगा। इससे ऋषि दुर्वासा का क्रोध अत्यधिक बढ़ गया और उन्होंने देवराज इंद्र के साथ साथ स्वर के सभी देवताओं को ये श्राप दे दिया कि वह सब अभी से ही ऊर्जाहीन महसूस करने लगेंगे, वे हमेशा थका हुआ महसूस करेंगे और उनकी शक्तियाँ दिन प्रतिदिन कम होती चली जाएंगी। अब देवराज इंद्र को अपनी गलती का एहसास होने लगा था और वह थका हुआ और कमज़ोर भी महसूस करने लगे थे। ये श्राप देने के बाद ऋषि दुर्वासा वहाँ से चले गए और देवराज इंद्र किसी तरह स्वर्ग की तरफ निकल पड़े। स्वर्ग के पास पहुंचते ही देवराज इंद्र को देवताओं की चीखें सुनाई देने लगी। सभी देवता ऊर्जाहीन और कमजोर महसूस करने लगे थे। देवराज इंद्र को अब पूरी तरह अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने तुरंत अपनी सभी देवताओं की एक बैठक बुलाई जिसमें वह यह विचार विमर्श कर पाए कि अब उन्हें इस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी। अभी विचार विमर्श शुरू ही हुआ था कि स्वर्ग के रक्षक दौड़ते हुए इंद्र और देवताओं के पास आए और उन्हें ये बताया कि असुरों के राजा बलि को ये खबर चल गई है कि स्वर्ग के सभी देवतागण शक्तिहीन हो गए हैं और वह अपनी पूरी असुरों की सेना को लेकर स्वर्ग पे हमला करने को आ रहे हैं। यह सुनते ही देवराज इंद्र और सभी देवता डर गए, क्योंकि उन्हें पता था कि इस वक्त वे असुरों से युद्ध नहीं कर पाएंगे और करेंगे भी तो असुर उन्हें आसानी से हरा देंगे या उन्हें मार भी सकते हैं। पर इसके बावजूद स्वर्ग के सभी देवताओं ने असुरों के साथ युद्ध किया, पर ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण वे युद्ध में हार गए और असुरों के राजा बलि अब देवलोक के राजा बन चुके थे। युद्ध में हारने के बाद सभी देवतागण भगवान ब्रह्मा जी के पास सत्यलोक पहुंचे और उनको अपनी पूरी दुख भरी कहानी सुनाई। पूरी कहानी सुनने के बाद भगवान ब्रह्मा इंद्र पर क्रोध से फूट पड़े और उन्हें यह बताने लगे कि देवराज इंद्र को अपनी सीमाओं में रहना आना चाहिए।
देवराज इंद्र की नजरें झुकी हुई थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वह किसी भी कीमत पर अपना प्रायश्चित करना चाहते थे, क्योंकि उनकी करनी के फल उनके साथ साथ देवताओं को भी भुगतने पड़ रहे थे। वह ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़े और उनसे यह विनती करने लगे कि इस बार वह उन्हें बचा लें। भगवान ब्रह्मा जी ने अपने क्रोध को शांत करते हुए इंद्र के सर पर हाथ रखा और उनको कहा कि ऋषि दुर्वासा एक महान योगी हैं और उनकी शक्तियां अत्यंत ही शक्तिशाली हैं। उनसे बात करने का मतलब उनके क्रोध को और बढ़ाना ही है। भगवान ब्रह्मा ने कुछ समय सोचने के बाद सभी देवता गणों को लेकर भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ की तरफ निकल पड़े। वैकुंठ पहुंचते ही सभी भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं और उनको अपनी पूरी कहानी सुनाते हैं। भगवान विष्णु, जिनको सब कुछ पता रहता है, वे इंद्र को मुस्कुराकर देखते हैं और पूछते हैं कि तुम प्रायश्चित के लिए क्या कर सकते हो। देवराज इंद्र भगवान विष्णु के पैरों पे गिर कर बोलते हैं, हे परम विष्णु, कुछ भी आप जो बताएंगे वो मैं करूँगा। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को ये बताया कि क्या उन्हें पता है कि समुद्र की गहराइयों में क्या राज छुपे हुए हैं। इस पर सभी देवतागण एक दूसरे की तरफ देखते हैं, पर किसी को भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था। फिर भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए सबको बताया कि समुद्र में कई ऐसी शक्तिशाली चीजें छुपी हुई हैं जिनका ज्ञान बहुत ही कम लोगों को है, और उन्हीं कई सारी चीजों में सबसे शीर्ष पे आता है अमृत, जो कि समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ है। ये सुनते ही सभी देवतागणों में एक ऊर्जा सी आ गई, क्योंकि उन सब ने अमृत के बारे में सुना था कि अमृत का ग्रहण करने से कोई भी व्यक्ति ऊर्जाशील के साथ साथ अमर भी हो जाएगा। अब उत्साह पूर्वक सभी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से यह पूछा कि ये अमृत को हम कैसे और कहां से प्राप्त कर सकते हैं। इस पर भगवान विष्णु ने बोला कि अमृत को समुद्र में से निकालने के लिए तुम्हें असुरों की सहायता लेनी होगी। इस पर सभी देवगण आश्चर्य रूप से एक दूसरे को देखने लगते हैं और देवराज इंद्र भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे प्रभु, हमें असुरों की आवश्यकता ही क्यों पड़ेगी। इस पर भगवान विष्णु बोलते हैं कि अमृत को निकालने के लिए हमें मथनी की आवश्यकता पड़ेगी और मथनी को दो तरफ से ही पकड़ा जा सकता है, तभी अमृत को समुद्र में से निकाला जा पाएगा। इस पर इंद्र ने भगवान से पूछा कि हमें मथनी और उसको पकड़ने के लिए एक शक्तिशाली रस्सी की जरूरत पड़ेगी, वह कहाँ से मिलेगी प्रभु। इस पर भगवान विष्णु इंद्र को सलाह देते हैं कि मंधरा पर्वत तुम्हारी मथनी होगा और सांपों के देवता वासुकी तुम्हारे रस्सी की जगह काम आएंगे। तुम उन्हें बस ये आश्वासन दिला देना कि उन्हें भी अमृत का एक हिस्सा मिल जाएगा, शायद इस बात पर वह राजी हो जाए। उधर असुरों के राजा बलि अमृत के लालच में देवताओं का साथ देने के लिए तैयार हो गए और इधर सांपों के देवता वासुकी भी अमृत के लिए तैयार हो गए। फिर असुरों और देवताओं ने मिलकर मंधरा पर्वत, जो कि एकदम सीधा और शक्तिशाली पर्वत था, उसको मिलकर तोड़ दिया और उस विशाल पर्वत को उठाकर समुद्र के बीचों बीच रख दिया। तभी देवराज इंद्र को भगवान विष्णु की एक बात याद आ गई कि जब वे वासुकी को एक रस्सी की तरह उपयोग करेंगे, तब देवतागण वासुकी की पूंछ को पकड़ेंगे और वासुकी का मुंह असुरों की तरफ रहेगा। अब मंधरा पर्वत को तोड़ने के बाद जब असुर और देवगण उस विशाल चट्टान को समुद्र में लाए, तब उन्हें एक समस्या नजर आने लगी कि ये विशाल चट्टान स्थिर कैसे रहेगी। बहुत सोच विचार के बाद भी उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इस पर इंद्र अग्नि भगवान से निराशा के शब्दों में ये कहते हैं कि अब क्या होगा। तब भगवान अग्नि इंद्र जी के ऊपर हाथ रखते हैं और सभी देवगण और असुर हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का स्मरण करने लगते हैं, और तभी भगवान विष्णु अवंतरित होते हैं और एक विशाल कछुए का रूप धारण करते हैं, जिसको हम लोग कुर्मा अवतार भी कहते हैं। फिर वे उस विशाल पर्वत को अपनी पीठ के ऊपर रख लेते हैं ताकि चट्टान समुद्र में डूब ना सके। इस घटना के बाद सभी असुर, देवगण और वासुकी भगवान विष्णु जी का धन्यवाद करते हैं। अब समा बन गई थी
एक तरफ जहां असुर थे वहीं दूसरी तरफ देवतागण और बीच में एक विशाल मंधरा पर्वत, और उस पर्वत को उठाए खुद भगवान विष्णु और उसको खींचने के लिए खुद सांपों के देवता वासुकी। अब अमृत को पाने के लिए एक बेमिसाल युद्ध छिड़ चुका था। समुद्र में तूफानों के बीच ये लड़ाई शुरू हो गई। तूफानी मौसम के बीच अमृत को पाने के लिए ये माया युद्ध जैसे ही आरंभ हुआ और देवता और असुरों ने जैसे ही वासुकी को खींचा, तभी उनके मुंह से विष निकला और पास में खड़े कुछ असुरों के शरीर उस विष के कारण जल गए और कुछ की मृत्यु भी हो गई। इस पर देवराज इंद्र को भगवान विष्णु की सभी बातें समझ में आ गई। इसके बाद असुरों ने युद्ध नहीं रोका, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर आलोदन क्रिया रुकी तो अमृत को पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, इसलिए उन्होंने आलोदन जारी रखा। कुछ घंटों की मेहनत के बाद सबसे पहली वस्तु जो समुद्र मंथन से निकली वो थी हलाहल विष। हलाहल विष ने एक काले बादल का रूप लिया और पूरे संसार को खत्म करने के इरादे से वे आगे बढ़ा। इस घटना से सभी देवता और असुर भयभीत हो गए और वे सभी महादेव शिव शंकर की आराधना करने लगे। वे विनती करने लगे कि बस महादेव ही अब संसार को बचा सकते हैं। भगवान शिव ने देवताओं और असुरों की प्रार्थना को सुना और उनको ये ज्ञात हो चुका था कि अगर हलाहल को रोका ना गया तो इससे पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। वे उस स्थान पर प्रकट हुए। उनके प्रकट होते ही सारे देवतागण और असुरों ने उनकी जय जयकार लगाई। फिर महादेव ने अपने हाथ से उस हलाहल विष को लिया और उसका पान करने लगे, क्योंकि संसार को बचाने का यही एकमात्र उपाय बचा हुआ था। माँ पार्वती जो कि ध्यान की मुद्रा में थी, उन्हें पता चल गया कि शिव ने विष का पान कर लिया है, और माँ पार्वती को ये पता था कि हलाहल विष कितना खतरनाक था। वे तुरंत समुद्र मंथन के पास प्रकट हुई और जैसे ही शिव ने जहर को अपने कंठ पे रखा, माँ ने उनके कंठ को अपने हाथों से दबा दिया ताकि विष शिव के अंदर भी ना जा सके और ना ही बाहर आ सके। कुछ समय के पश्चात भगवान शंकर का कंठ विष के कारण नीला पड़ गया, और इस घटना के बाद शिव शंकर को नीलकंठ भी बोला जाने लगा, और भगवान शंकर ने पूरे संसार को बचा लिया। इस पर देवताओं और असुरों ने उनका शुक्रिया अदा किया और उनको और माँ पार्वती को प्रणाम किया। अब फिर से अमृत के लिए आलोदन शुरू हुआ और धीरे धीरे समुद्र में से कई रत्न और वस्तुएं बाहर आने लगी, जिसमें से हलाहल विष के बाद सफेद रंग का घोड़ा उच्च श्रेवा निकला, फिर एरावत हाथी, कौस्तुब मणि, कामधेनु, कल्पवृक्ष, अप्सरा रंभा, वरुणी देवी और इसी तरह कई वस्तुएं समुद्र से निकलने लगी, पर अमृत का पता अभी तक नहीं चला था। धीरे धीरे देवताओं और असुरों का साहस और सबर टूटने लगा, पर एक आखिरी बार उन सब ने मिलकर आलोदन किया और कुछ समय पश्चात समुद्र में से धन्वंतरी देवता हाथ में अमृत के कलश को लेकर अवंतरित हुए। यह देखकर देवताओं और असुरों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। असुरों ने मौका पाते ही धन्वंतरी से वे अमृत का कलश छीन लिया और उसको लेके भागने का प्रयास करने लगे, पर देवताओं ने उनका विरोध किया। पर शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण असुर देवताओं के ऊपर भारी पड़ रहे थे। फिर असुरों के राजा बलि ने सभी असुरों को एक कतार में बैठने को कहा ताकि वे सब मिलकर अमृत का पान कर सकें। ये देखते हुए सभी देवतागणों ने सिर झुका लिया, और कोई और रास्ता ना देखते हुए वे सभी फिर से भगवान विष्णु जी की आराधना करने लगे। फिर जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, वे देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत सुंदर सी नारी खड़ी थी। उसकी खूबसूरती बेमिसाल थी, उनका तेज अत्यंत ही भव्य था। अब अचानक से असुरों की नजर इस सुंदर नारी पे गई और वे उनको देखने के बाद मंत्रमुग्ध हो गए और अमृत का पान भूल गए। राजा बलि जिनके हाथ में अमृत का कलश था, वे आगे गए और बोले, हे सुंदरी, आप कौन हैं? इस पर जवाब आता है, मैं मोहिनी हूँ। अब राजा बलि ये चाहते थे कि मोहिनी ही सब असुरों को अमृत का पान करवाए, और उन्होंने अपना विचार मोहिनी को सुनाया। मोहिनी ने उनकी बात मान ली, पर एक शर्त रख दी
कि वे असुरों को अमृत तो देंगी पर साथ ही साथ देवतागण भी उनके सामने बैठे रहेंगे। मोहिनी की खूबसूरती के सामने सभी असुर मंत्रमुग्ध हो गए थे। उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है। वे सब मोहिनी को ही देखते जा रहे थे। अब एक तरफ देवतागण बैठे हुए थे और एक तरफ असुर, और मोहिनी चलाकी से देवताओं को अमृत ग्रहण करवा रही थी और सभी असुर उनकी खूबसूरती में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि उन्हें तो अमृत मिल ही नहीं रहा। पर उन्हीं असुरों में एक असुर जिसका नाम राहु था, वो मोहिनी की चलाकी समझ गया और देवताओं के क्रम में जाकर बैठ गया। अब जैसे ही मोहिनी ने राहु को अमृत पिला के कुछ दूर आगे को पहुंची, तभी चंद्र भगवान और सूर्य देव को यह पता चल गया कि यह एक असुर है। और जैसे ही वह असुर अमृत को अपने कंठ पे लाया, उसी समय मोहिनी ने भगवान विष्णु का रूप धारण किया और भगवान के सुदर्शन चक्र ने राहु का गला काट डाला और उसका सर हवा में तैरने लगा, क्योंकि राहु ने अमृत के कुछ अंशों का ग्रहण तो कर ही लिया था, जिसके कारण उसका सर अमर हो गया। और अमृत को ग्रहण करने के बाद सभी देवतागण फिर से शक्तिशाली और ऊर्जाशील महसूस करने लगे। और उसके बाद देवताओं ने असुरों को एक छोटे से कुंड में हरा दिया और स्वर्ग पे अपना अधिकार वापस जमा लिया। समुद्र मंथन में से कुल 14 रत्नों का आगमन हुआ था और ये कहानी हजारों सालों के बाद भी हमें यही सीख सिखलाती है कि जो भी व्यक्ति अहंकार को पालता है उसका बर्बाद होना तय है, फिर वो स्वर्ग के देवता देवराज इंद्र ही क्यों ना हो। तो आज का वीडियो दोस्तों हम यहीं पे समाप्त करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आप सभी लोगों को हमारी तरफ से शिवरात्रि की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।